हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा फेसबुक पेज और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सीएनसी मशीन है उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, कि सीएनसी मशीन के जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक सीएनसी मशीन है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल टैरेट और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है वो बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो है वो बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज जो हमारा कंट्रोल पैनल जो है और टूल टैरेट है, टेल स्टॉक है, स्पिंडल है, सर्वो मोटर है, चक, एक्सिस मोटर, चिप गार्ड डोर, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, लुब्रिकेशन ऑयल टैंक, कूलेंट टैंक, पीएलसी पैनल और स्टेबलाइज़र, ये सभी जो पार्ट्स हैं ये सीएनसी मशीन के पार्ट्स होते हैं और ये सभी फिट होते हैं सीएनसी मशीन के अंदर। तो एक एक पार्ट के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को कंट्रोल पैनल के बारे में बताता हूँ। तो कंट्रोल पैनल जो होता है वहीं से हमें पता चलता है कि हम लोगों को सीएनसी मशीन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यह जो पैनल है इसी के द्वारा ही जो है मशीन को कंट्रोल किया जाता है और इसको जो है वो ऑपरेटर पैनल भी कहते हैं। और यहाँ से ही जो ऑपरेटर है वो मशीन के अंदर जो है वो कमांड डालता है, ऑफसेट डालता है, इसके अंदर बहुत सारे कीज़ होते हैं। तो ये जो पैनल होता है इसी के द्वारा जो है मशीन को जो है वो ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको ऑपरेटर पैनल भी कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ जो है वो फानुक कंट्रोल मशीन के जो है यहाँ पर कंट्रोल पैनल जो है मैंने दिखाए गए हैं। तो जो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर जो भी कमांड देने के लिए जो भी कीज़ होती हैं वो सारी की सारी फिट होती है। और इसके अंदर एक स्क्रीन होती है, एक डिस्प्ले लगी होती है जिसके अंदर हम लोग जो है भी कमांड हम लोगों ने दी है, मशीन के एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे वर्क करते हैं, कोई कमांड डालते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है मशीन के अंदर ये एक अल्फाबेटिक प्रोग्रामिंग के लिए कीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ होते हैं, बहुत सारी कीज़ होते हैं यहाँ पर मशीन के, मोड जो होते हैं मशीन के वो कीज़ दिए गए होते हैं, एमरजेंसी स्टॉप के लिए, साइकिल स्टार्ट के लिए, ब्लॉक स्किप के लिए, स्पीड के कंट्रोल करने के लिए। तो ये सभी जो कीज़ हैं ये आपके कंट्रोल पैनल के अंदर फिट होते हैं। तो आगे चलिए दोस्तों। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ, टूल टैरेट। तो टूल टैरेट होता है उसको जो है वो ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये टूल टैरेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो टूल को चेंज करता है। तो इसका जो नाम होता है वो टैरेट होता है और इसके अंदर एक टूल मैगजीन लगी होती है और टूल मैगजीन के द्वारा ही जो है ये ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करता है। तो देखिए दोस्तों, पहले पिक्चर में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टोटल 12 टूल लगे हुए हैं। यहाँ पर एंडमिल भी लगा है, ड्रिल भी लगा हुआ है, टर्निंग के लिए टूल है, फेसिंग के लिए टूल है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स होते हैं वो हम इसकी टूल मैगजीन के अंदर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे यू ड्रिल लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रिल लगा हुआ है और डिफरेंट टाइप के जो टूल हैं वो लगे हुए हैं। आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो टूल है वो टैरेट के अंदर आपको पहले फिट करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं टूल टैरेट, जो ऑटोमेटिकली टूल को जो मशीन में चेंज करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं टेलीस्टॉक की। तो टेलीस्टॉक जो होता है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस कार्य में आता है। तो लंबी जॉब को और हैवी जॉब को सपोर्ट करने के लिए जो टेलीस्टॉक है उसका उपयोग किया जाता है। तो टेलीस्टॉक जो होता है उसके अंदर एक रिवॉल्विंग सेंटर लगा होता है जिसको हम लोग डेड सेंटर भी कहते हैं। और इस प्रकार से जो होते हैं वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक रिवॉल्विंग सेंटर लगा हुआ है और जॉब का एक पार्ट जो होता है वो आपका चक में फिट होगा और दूसरा जो सिरा है यहाँ पे इसके सेंटर के अंदर जो है वो आपका जो टेल स्ट्रोक का जो डेड सेंटर है वो लग जाता है। तो जॉब जो होती है वो बबलिंग नहीं करती है और आसानी जो से जो है वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का जो रनआउट है वो नहीं आता है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पिंडल की। तो स्पिंडल जो होता है वो एक प्रकार का एक होलो शाफ्ट होता है जो आपका चक के साथ में जुड़ा होता है और इसके अंदर जो है आपकी जो जो स्पिंडल होता है वो सर्वो मोटर के साथ में इसका कनेक्शन होता है और ये जो है जैसे आपकी मोटर घूमती है उसी के साथ साथ आपका जो ये स्पिंडल है वो भी आपका घूमता है और इसके साथ में जो है वो चक जो है वो अटैच होता है इसके साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन का,
अगर आपकी मशीन में स्पिंडल नहीं होगा तो आप उसके अंदर जो जॉब है वो आसानी से नहीं फिट कर सकेंगे। आगे हम लोग सर्वो मोटर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वो मोटर जो है वो बहुत ही एक बड़ा रोल अदा करती है सीएनसी मशीन के अंदर। सीएनसी मशीन के अंदर जो सर्वो मोटर होती है वो स्पिंडल को रोटेट करवाती है, और सर्वो मोटर जो होती है वो ऑटोमेटिकली जो आरपीएम है उनको कंट्रोल करती है, ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर आपको डायरेक्टली मशीन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक को रोटेट करवाना है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में आप उसको अगर घुमाना चाहते हैं, तो तुरंत जो आपकी मोटर जो है वो उस डायरेक्शन को समझ जाएगी, और यह जो है वो कमांड के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जैसे जैसे आपकी जो कमांड है आप मशीन में डालोगे, उसी कमांड के आधार पर आपकी जो सर्वो मोटर है वो वर्क करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है सर्वो मोटर का सीएनसी मशीन में। आगे बात करते हैं दोस्तों चक, तो सीएनसी के अंदर जॉब को होल्ड करने के लिए चक का एक बहुत बड़ा वर्क होता है। चक के बिना जो है वो सीएनसी मशीन में जो आपका जो कंपोनेंट होता है उसको क्लैंप नहीं किया जा सकता है। तो सीएनसी मशीन के अंदर जो मेनली जो आपका जो चक जो होता है वो वर्किंग करता है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर काम करता है। ज़्यादातर सीएनसी मशीन के अंदर जो आपका चक होता है वो 3 जा चक यूज़ किया जाता है, और बाकी जो कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट जो है वो उसका डिज़ाइन स्पेशल डिज़ाइन भी किया जाता है। स्पेशल डिज़ाइन के भी चक जो है हम लोग सीएनसी मशीन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर एक चक जो होता है वो आपका जॉब को होल्ड करने का कार्य करता है। एक्सिस मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्सिस मोटर जो होती है सीएनसी मशीन में वो एक्सिस को कंट्रोल करती है। तो एक्सिस मोटर जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और एक्सिस मोटर जो होती है एक्सिस को कंट्रोल करने के साथ साथ में जो आपका मोशन होता है, जो लीनियर मोशन होता है उसको, जो सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करती है। तो इसका बहुत ही बड़ा वर्क है, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो एक्सिस है वो इधर उधर जो है वो मतलब कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस जिस प्रकार से नीचे की आ रहा है, और इधर आप देख रहे हैं यहाँ इसमें एक बॉल स्क्रू लगा होता है तो इसके द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। चिप गार्ड डोर की बात करें दोस्तों, तो चिप गार्ड डोर एक बहुत ही बड़ा काम करती है ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए। तो मशीन के अंदर जो चिप गार्ड डोर होती है वो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है, क्योंकि अगर मशीन के अंदर डोर ही नहीं होगी तो मशीन के अंदर जो कंपोनेंट के जो चिप्स होते हैं और जो कूलेंट होता है वो ऑपरेटर के ऊपर आके गिरेगा। इसमें कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा आप लोगों ने, कि अगर बाय चांस चलती हुई मशीन के अंदर से अगर कोई पार्ट खुल जाता है तो वो डायरेक्टली ऑपरेटर को चोट पहुंचा सकता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए जो मशीन के अंदर एक जो चिप गार्ड डोर होती है उसको लगाया जाता है, ताकि जो आपका जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल सेफ रहे। जैसे ही मशीन आपकी स्टार्ट होती है तो जो आपकी डोर है उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है, या फिर जो मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो डोर है वो बंद हो जाती है। तो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हमेशा ही जो डोर को क्लोज करके ही मशीन को ऑपरेट करना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, तो दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल टैंक जो होता है मशीन के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर लगी होती है और इसके अंदर एक प्रेशर गेज भी लगा होता है। क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है वो उसी के द्वारा जो है वो मशीन के अंदर चेक को क्लैंप डीक्लैंप किया जाता है, और भी बहुत सारे जहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इसका जो प्रेशर वो यूज़ किया जाता है। इस टैंक के अंदर दोस्तों ऑयल भरा होता है, और इसी के साथ में बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, पंप मोटर, और इसके अंदर एक प्रेशर को मापने के लिए गेज लगा होता है, और टैंक को फिल करने के लिए ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ढक्कन दिया गया है यहाँ पे, तो इसको ओपन करके टैंक को वापस आप फिल कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक जो होता है जहाँ पर प्रेशर हाइड्रोलिक आवश्यकता होती है सीएनसी मशीन में, तो वहाँ पर जो है वो टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो लुब्रिकेशन ऑयल टैंक की बात करेंगे दोस्तों, लुब्रिकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। लगातार चल रही मशीनों के अंदर घर्षण जो होने वाले पार्ट्स होते हैं उनमें लुब्रिकेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो लुब्रिकेशन जो है वो लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के द्वारा मशीन के अंदर जो है वो सप्लाई किया जाता है। कितने प्रेशर पे सप्लाई हो रहा है यहाँ पर एक जो है वो मीटर दिया जाता है, और इसके अंदर जो है वो रेंज दी जाती है, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है और मिनिमम रेंज कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम का जो है वो निशान लगा होता है, और कई मशीनों के अंदर ये पारदर्शी होते हैं, आर पार दिखाई देता है आपकी मशीन के अंदर कितना जो है वो ऑयल भरा हुआ है, तो आपको जो साफ जो है वो नज़र आता रहता है। दोस्तों कूलेंट टैंक की बात करते हैं, तो कूलेंट टैंक जो होता है मशीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि कूलेंट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका जो टूल है वो गर्म नहीं होता है, और आपका जो टूल है वो जल्दी से घिसता नहीं है, आपका जॉब जो है वो गर्म नहीं होता है। तो कूलेंट टैंक के द्वारा जो मशीन के अंदर जो कूलेंट है वो
सप्लाई किया जाता है। जब आपका टूल किसी जॉब के ऊपर मटेरियल को काटता है तो काटते समय कूलेंट जो है उसका ऑन होना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल सेफ तरीके से बन सके। तो इसके लिए दोस्तों कूलेंट एक बहुत ही ज़रूरी है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीएलसी पैनल की। तो दोस्तों पीएलसी पैनल जो होता है वो मशीन का एक प्रकार से एक दिमाग कह सकते हैं आप। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और इसको सीएनसी मशीन का दिमाग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्राइव्स लगी होती है। मशीन के का जो टोटल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कंट्रोलिंग सिस्टम यहीं से होता है क्योंकि यह पूरी मशीन को कमांड भेजता है, यहीं से मशीन की जो प्रोसेसिंग होती है कमांड पर वो यहीं से होती है पीएलसी से। तो पीएलसी का जो वर्क होता है मशीन का, जैसे आदमी का दिमाग होता है उसी प्रकार से जो है वो पीएलसी का वर्क होता है। स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर दोस्तों किस काम में आता है? यह इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के काम में आता है। मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मशीन के अंदर कम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है यह स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर जो है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से मशीन की सुरक्षा करता है। मशीन के अंदर एकदम से ज़्यादा लाइट चली जाएगी, ज़्यादा बिजली अगर मशीन को मिलेगी तो मशीन के ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो बिजली को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। आगे दोस्तों कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनसी मशीन का वह कौन सा पार्ट होता है जिसमें टूल बंधे होते हैं? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको जो आंसर देना है वो इसका सही उत्तर है आपका टूल टैरेट। तो टूल टैरेट के अंदर जो सभी सीएनसी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। पीएलसी क्या होता है? तो दोस्तों पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनसी मशीन का वह कौन सा पार्ट होता है जो मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेशन सप्लाई करता है? तो दोस्तों सीएनसी मशीन के अंदर लुब्रिकेशन सप्लाई करने का कार्य जो होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल टैंक का होता है। वहीं से ही जो है वो सारी मशीन के अंदर लुब्रिकेशन सप्लाई किया जाता है। मशीन के एक्सिस में कौन सी मोटर लगी होती है? तो दोस्तों अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि मशीन के एक्सिस में कौन सी मोटर लगी होती है तो आपको जो है वो सही उत्तर जो है आपको बताना है वो होता है आपका एक्सिस मोटर। आगे दोस्तों बात करेंगे कंट्रोल पैनल का दूसरा क्या नाम है। दोस्तों कंट्रोल पैनल जो होता है तो उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑपरेटर पैनल, क्योंकि कंट्रोल पैनल के द्वारा ही मशीन जो है और ऑपरेटर वहीं पे खड़े होकर मशीन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है वो आपने शेयर करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।